हमारे साथ है संगरिया से विधायक अभिमन्यु पूनिया। आपने चुनाव जीत लिया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जीत के बाद की प्रतिक्रिया, फिर सरकार नहीं बनी इसका क्या कहेंगे? देखो, निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर युवा विधायक जीत कर आए हैं। पहले भी राहुल गांधी जी की, सचिन पायलट जी की सोच थी कि राजनीति के अंदर युवा अग्रिम पंक्ति में कैसे आ सकते हैं। आप उदाहरण देख रहे हो कि NSUI की राजनीति से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर आज कितने युवा साथी राजस्थान की विधानसभा के अंदर है। कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया है, सेवा का मौका दिया है, उसी का ही आधार है कि आप उदाहरण देख रहे हो कि संगरिया से चुनाव जीत कर आया हूँ, अनेकों विधानसभाओं से युवा साथी चुनाव जीत कर आए हैं। और सरकार नहीं मानने की विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे। जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़े थे उन मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को दोबारा लाने की कोशिश करेंगे। क्या कारण रह गया था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो पाई, लेकिन बार बार अशोक गहलोत कह रहे कि इस बार रिवाज बदलने वाले थे, सत्ता बदलने की वो बात मना कर रहे थे? देखो, युवा साथियों को और ज़्यादा मौका मिलता तो कहीं ना कहीं सरकार भी मनती, और टिकटें दोहराना सरकार नहीं मनने का मुख्य कारण है कि जिन मंत्री और जिन विधायकों के खिलाफ पति उनकी पार्टी को, पार्टी ने उनको दोबारा उम्मीदवार बनाने की जो गलती की वही कारण है कि आज सरकार बनने में एक शख्स हम लोग रहे। और नए लोगों को अगर मौका मिलता तो निश्चित रूप से सरकार बनती, कहीं तेरा अगर होता तो सरकार बनती। कहीं ये तो कारण नहीं रहा कि सचिन पायलट को जिस तरह से पूरे 5 साल तक किनारे किया गया और गुर्जर समाज के साथ साथ युवाओं ने भी ये ठान लिया कि एक बार अशोक गहलोत की सरकार को हटाना? सचिन पायलट जी पूरे देश के युवा आर्दय सम्राट है, राजस्थान के हर वर्ग की आवाज है। उन्होंने 2013 से 2018 तक जो संघर्ष किया उसी संघर्ष के बलबूते 2018 के अंदर हम लोग सरकार बनाई। अगर उनका कहीं ना कहीं चेहरा मुख्य रूप से रखा जाता तो आज स्थितियां और होती, राजस्थान के अंदर सरकार बनती। देखिए, अभी भी सरकार का गठन नहीं हुआ है क्योंकि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा अगर नहीं बनाएंगे तो राजस्थान में कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में कांग्रेस के विधायक क्या करने वाले? देखो, कांग्रेस के विधायक राजस्थान के अंदर, भाजपा पहले भी टूटी हुई थी और अभी भी टूटी हुई है, और भाजपा क्या कर रही है इसका अंदेशा एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस तो मजबूती से एकजुट है और एक साथ खड़ी है और मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और चुनाव आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, चाहे लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, मजबूती से कांग्रेस के पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। ऐसा नहीं हो कि कहीं वसुंधरा राजे बगावत कर दे और मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाए और कांग्रेस के विधायकों का उनको जरूरत पड़ेगी तो आपका क्या रोल रहेगा? देखो, उसमें हमारा रोल क्या है, हम तो पार्टी जो आलाकमान कहेगा, जो पार्टी कहेगी राहुल गांधी जी का आदेश होगा उसके साथ है। लोकसभा चुनाव अब चुनौती है, इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने सेमीफाइनल जीत लिया है, अब फाइनल में क्या भूमिका? राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की जीतेगी, आप देखना भाजपा ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत कर आएगी। देश के नेता राहुल गांधी जी है, देश का युवा राहुल गांधी जी को चाहता है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने का काम करेंगे। जो जिस तरह से राजस्थान में एक हत्याकांड हुआ है जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की गई है, कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल है, क्या कहेंगे? 2 दिन के अंदर कानून व्यवस्था की पोल खुल चुकी है, आप देख रहे हो किस प्रकार से राजस्थान के अंदर हत्याएं, लूटपाट जैसी घटनाएं हो रही है, और भाजपा अभी तक अपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मना पाने में ही असमंजस की स्थिति के अंदर है, तो वो राज्य को क्या संभालेंगे? भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अदर जूल में सरकार है, ना कांग्रेस की सरकार ना बीजेपी की है, भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं है, भाजपा अभी तक असमंजस की स्थिति में, तो ये घटनाएं होनी, उनको जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लेनी चाहिए और उनको जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, उनको मजबूती साथ, जिस प्रकार के राजस्थान के अंदर घटनाएं हो रही है निसंकोच, ये बहुत ही दयनीय घटनाएं, ये ऐसी घटनाएं होना भाजपा पर एक दाग का काम करने का काम कर रही है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आते हैं और जो अपराधी हैं वो भी इसी एरिया के, पंजाब से सटे हुए, हरियाणा के सटे हुए, तो क्या कहेंगे जो राजस्थान में गैंगवार चल रहे हैं? देखो, राजस्थान के अंदर सरकार को, कानून व्यवस्था को एक सीमा और एक इनका जो परिस्थिति जो आज राजस्थान के अंदर ही है उसको सुधारने का प्रयास करना होगा, नहीं आने वाले समय में दयनीय परिस्थिति राजस्थान की हो जाएगी। तो ये थे संगरिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया, जिनका ये कहना है कि वे मजबूती के साथ आगे के जो भी चुनाव होंगे उसमें लड़ेंगे और कांग्रेस की सत्ता एक बार फिर हासिल करने का प्रयास करेंगे और जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कोशिश करेंगे कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें जीत कर आए। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस कितनी संगठित रहती है और आने वाले चुनाव में किस तरह से वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।